वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे चॉकलेट और वनीला फ्लेवर मिक्स आइसक्रीम। तो इसे हम घर पे आसानी से बना सकते हैं। घर पे जो कुछ अवेलेबल हो, लगभग सबके घर पे होगा, तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए बच्चों के लिए हम आइसक्रीम। तो सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें 2 कप दूध डालेंगे और गैस को करेंगे ऑन और दूध को गर्म होने के लिए रख देंगे। और हमने कुछ हाफ पैकेट ब्रेड लिया है और इसके ब्राउन साइड को हम किनारी को कट कर देंगे और इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे अच्छे से। इसका बुरादा तैयार कर लेंगे। सभी ब्रेड के टुकड़े को हम डाल देंगे इसमें। आप बच्चों के लिए इसे आसानी से बनाइए। और ये देखिए इसका बुरादा तैयार है। हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। और अब हम दूध में चीनी डालेंगे 1 कप। मीठा आप थोड़ा ज़्यादा रखिए ताकि आइसक्रीम ठंडी होने के जब हम खाएं मीठी लगे। तो अब हम लेंगे 1 चम्मच पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे और दूध को चलाते हुए धीरे धीरे करके हम डाल लेंगे। इस तरीके से दूध में मिक्स कर लिया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें ये ब्रेड के जो बुरादे हमने बनाए थे इसको डाल देंगे। वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से सब समझ में आ जाए। और ये देखिए अब ये पकने लगा है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। और उसी बर्तन में या किसी और बर्तन में लीजिए 2 कप दूध। और अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोको पाउडर नहीं अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पे ब्राउन वीटा यूज किया है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो हम डाल देंगे 2 चम्मच ब्राउन वीटा और इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसकी जगह पे कोको पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और बाकी के बचे हुए ब्रेड के टुकड़ों को हम इसमें डाल देंगे, बुरादों को, और इसको भी अच्छे से ठंडा कर लिया जाएगा। और अब हम इसमें मक्के का आटा यूज करेंगे या फिर आपके पास कॉर्न फ्लोर है आप उसको यूज कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी पकने देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मिल्क पाउडर। ना हो तो आप मत डालिए, लेकिन अगर हो तो डाल दीजिए क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हमने यहाँ पे 6 कप ली है प्लास्टिक की, उसमें हम डाल देंगे पहले वनीला फ्लेवर और उस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। और अब हम इस पर डालेंगे चॉकलेट वाला फ्लेवर इस तरीके से। ध्यान रखिएगा कि कुछ गाढ़ा बने ताकि ये मिले नहीं, इसलिए इसे गाढ़ा होने तक, ठंडा होने तक रखिए। अब हम यहाँ पे लेंगे बादाम के टुकड़ों को इस तरीके से कट कर लेंगे और हम इसे डेकोरेट करेंगे इस तरीके से। और हमने यहाँ पे नारियल के गरी के टुकड़ों को लिया है और स्माइली जैसा कट कर लिया है। हम इस पे टूटी फ्रूटी का लगा देंगे 1-1 टुकड़ा इस तरीके से, ये देखिए। और इसे एक रैपर से या फिर एक किसी पन्नी को कट कर लीजिए छोटे टुकड़ों में, उसके ऊपर रख दीजिए और एक रबड़ से सील कर दीजिए इस तरीके से। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। सभी को अच्छे से रख देंगे और ये देखिए ये जम चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में, बहुत ही स्वीट, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। और जो बच्चे दूध नहीं पीते
उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, आइसक्रीम समझ के वो ये सब अच्छे से खा लेंगे। तो अब हम इसे आपको कट करके दिखाएंगे, ये देखिए बहुत ही टेस्टी है ये, खाने में बन चुका है ये, तो इसे ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कैसा बना है। तो ये है दूसरा बाइट, आप देख सकते हैं ये अच्छे से जम गया है, और ये देखिए हम आपको इसको निकाल के दिखा दे रहे हैं। इस तरीके से हमारी आइसक्रीम बन चुकी है, होममेड आइसक्रीम बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी। तो आप भी इसे ट्राई करिए और बताइए कैसा बना। अगली रेसिपी का इंतज़ार कीजिए मेरे वीडियो में, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।